अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैरा राजा। आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट चिकन पुलाव। तो एक अलग तरीके से जिस तरह मैं बनाती हूँ, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकान को प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैं आपको दिखाती हूँ, यखनी बनानी है। यखनी के लिए मैंने ये दो बड़ी इलायची है, बादयान फूल है, ये दारचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, सौंफ है एक बड़ी चम्मच, और 1.5 चम्मच ये साबुत धनिया है, जायफल है, ये जायफल है, और ये जावित्री है। 1 kg मैंने चिकन ली है। पांच से छह हरी मिर्च है, दो दो पीस मैंने इसके बना लिए हैं। एक प्याज है, छोटी प्याज है, और 4 से 5 ये अदरक के टुकड़े हैं। ये सारी चीजें भी इसमें जाएंगी। दो चम्मच नमक मैंने चिकन के साथ डाल दिया और बाकी चावलों के साथ डालूंगी। तो इसमें एक जग पानी डालूंगी और यखनी बनाने के लिए मैं रख दूंगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट में यखनी ये तैयार हो जाएगी, क्योंकि चिकन है, चिकन जल्दी गल जाती है। तो बस अब मैं चूल्हे पे रखूंगी, ढक्कन रख के पानी डाल के, तो फिर मिलते हैं यखनी बनाने के बाद। गोश्त बॉयल हो गया तो यखनी अलग कर दिया, और इसकी जो बोटियाँ हैं वो मैंने अलग एक बाउल में निकाल ली हैं। ये वाला भर के मैंने ऑयल का डाला है। ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ये दो बड़े प्याज हैं, इस तरह मैंने रफ कटिंग में काट लिए हैं। ये 1 kg मैंने चिकन लिए और 1 ही kg लिए चावल लिए। इनको साफ़ किए, साफ़ करने के बाद फिर मैंने भगो के रख दिए थे। तकरीबन इनको 1 घंटा हो गए भीगे हुए। पानी मैंने निकाल दिए ताकि ज़्यादा ये ना भीगे, फिर टूट जाएंगे। प्याज हल्का ब्राउन हो गया, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि हमने वाइट चिकन पुलाव बनाना है। तो अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन होगा तो फिर अपना कलर छोड़ेगा। ये लहसुन अदरक है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक है, और एक बड़ा लहसुन है, तकरीबन 7 से 8 जवे होंगे। ये खुश्क धनिया है, और ये गरम मसाला है पिसा हुआ, दोनों 1-1 चम्मच है। अब साथ ही हम चिकन भी डाल देंगे। ये नमक है, 2 चम्मच नमक हमने यखनी में डाले हैं। तो 1 kg हमारे चावल हैं, तो 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं भूनते हुए। एक चम्मच काली मिर्च, ये सफेद मिर्च है, ये 1/2 चम्मच, और
बाद एक से दो मिनट इसको इन मसालों के साथ फ्राई करना है गोश्त को। गोश्त पहले से ही पका हुआ है। इसमें ना ही टमाटर जाएंगे, ना ही सुर्ख मिर्च जाएगी, ना हल्दी जाएगी, ना कोई और मसाला जाएगा। तो ये एक बाउल मैंने इसमें दही डाला है, ये एक फो से ऊपर है, तकरीबन ये 300 ग्राम होगा। ये हरी मिर्च है, ये तकरीबन 9 हरी मिर्च है। ये देखें, इसको मैंने ऐसे बीच में ऐसे कट लगा लिए, ये मसाला डाल देंगे। बस इसमें दही का पानी खुश्क करना है। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो एक दो मिनट भूनेंगे गोश्त को और फिर इसमें यखनी डालूंगी। दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और मैंने एक से दो मिनट के लिए इसको भून भी लिया है। देखें, आज सारा ऊपर आ गया। तो अब हम डालेंगे इसमें ये जो यखनी थी, वो यखनी में से सारे जितने खड़े मसाले थे वो मैंने छान लिए हैं, ये सिर्फ यखनी है। ये एक बाउल चावल का था, खुश्क चावल जब थे तो जब मैंने गीले किए हैं उससे पहले, तो एक बाउल ये चावल का था। तो अभी यखनी तकरीबन ये डेढ़ बाउल मैंने यखनी डाल दी है इसमें। ये एक लीमू है, लीमू का रस डाल रहे हैं। जब आप पानी या यखनी डाल दें चावलों की, तो फिर आप इस स्टेज पे आप नमक इसका चेक कर सकते हैं और मिर्च। आधा चम्मच नमक और डालूंगी, थोड़ा सा नमक कम लग रहा है। और एक चम्मच काली मिर्च और डाल दी। साथ ही हम चावल डाल देंगे। सारा डालने ताकि जो पानी है वो नीचे ही बैठा रहे, पानी साथ नहीं जाए। ये बहुत मज़े का और बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनता है और थोड़ा सा रूटीन से हट के डिफरेंट स्टाइल का है। तो आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे बिल्कुल यही जो मैंने जिस तरीके से बनाया है यही तरीका आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपके बहुत ज़बरदस्त ये पुलाव बनेगा। घर वाले जब खाएँगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे। तो अभी ढक्कन के बगैर ही जब तक बॉयल आएगा, इसमें एक पानी बॉयल होगा, थोड़े से पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इस पर ढक्कन देंगे। पानी सारा खुश्क हो चुका है तो अब इसको हम दम देंगे। एक दफ़ा हिला भी देती हूँ इसको थोड़ा सा, हल्का हल्का पानी है अभी, और जब इस पर दम आएगा तो ये
डालूंगी कुछ कोटर में। इसका अच्छी तरह ये दम इसको दे दिए और एक ये सुराख है इसको हम बंद करेंगे ताकि इसकी गैस बाहर नहीं निकले। बस इसमें से गैस बाहर नहीं निकलेगी तो चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता करना है, बिल्कुल हल्के हल्की आंच पे इसको दम देना है। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे, फिर देखेंगे कि क्या बना है हमारे पुलाव का। पुलाव हम चेक करते हैं, अभी दम दिया हुआ था तो 20 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं अपना पुलाव कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। ये देखें एक एक चावल अलग है इसका। तो इसको 5 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया और 4-5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही मैं रहने दूंगी। इसके बाद फिर मिक्स करूंगी और फिर डिश आउट करेंगे। पुलाव हमने डिश आउट कर लिए, तो ये थोड़ा सा मैंने पुदीने के पत्तों से इसको सजाया है। तो अगर आपके पास हरा धनिया हो तो हरा धनिया आप थोड़े से पत्ते इस पर डाल दें, उससे ये खूबसूरत भी लगेगा और खाने में भी फ्रेश लगेगा। तो आज की रेसिपी इतनी थी, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।